जैसे मैंने आपको बताया था बजट के पहले कि एक जो आम आदमी को बेनिफिट पहुंचे, रूरल यूथ वुमन ये सबको बेनिफिट का बजट है, और एक जो पूरा मैसेज जा रहा है एफएम की तरफ से कि ये हम सबको, हम पूरे पूरे देश को एक साथ को लेके चलना चाह रहे हैं डेवलपमेंट में, और हमको इंडस्ट्री को भी आगे आना चाहिए कि कैसे ये डेवलपमेंट स्टोरी में गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़े। तो गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम्स है, प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी, स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, उसमें हम कैसे क्या करें कि हम लोग पूरे नेशन को डेवलप कर सकें। मेरा ये भी मानना है कि ये जो एक टारगेट रखा है ग्रोथ का 6% 7% बहुत कम है। इंडिया का पोटेंशियल 10%+ ग्रोथ का है, और हमारे यूथ में, अपने आप को यूथ मानता हूँ, हम सब मिलकर 10%+ कर सकते हैं ऑनेस्टली, और तभी जाके हम डेवलप नेशन बनेंगे। और मेरा ये कब होगा कि जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और जो हमारे इंडस्ट्रियल भाई बंधु है हम उसको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और मेरे हिसाब से अभी ये गवर्नमेंट स्टेबल है, इकोनॉमी स्टेबल है, और मेरा मानना है अब मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा, और ये भी मेरा मानना है और FDI भी आएगा, क्योंकि FDI में भी काफ़ी उन्होंने क्या बोलते हैं ईज किया है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव बजट है, एक्सेप्ट के ग्रोथ वी शुड बी एमिंग इज मच हायर एट 10%, बाकी पॉजिटिव।